Students, today I will discuss about chapter 15 probability part 1 mein hum discuss karenge playing cards ke bare mein. To sabse pehle hame playing cards ke bare mein pata hona chahiye ki playing cards kitne hote hain aur usme kya kya type hai. Ki main to aapko agar ye pata chal jaye ki isme kitne card hain total aur kya kya iske type hain to ye question aapke liye easy ho jayega. Dekho sabse pehle start kiya कि टोटल कार्ड कितने हैं 52. अब इसमें ब्लैक कार्ड कितने हैं 26, रेड कार्ड कितने हैं 26. अब ब्लैक में भी दो टाइप हैं, स्पेड एंड क्लब. ये दोनों ब्लैक होते हैं तो ये 13 हो गई. रेड में दो टाइप हैं, क्या क्या, डायमंड एंड हार्ट. ये भी दोनों रेड होते हैं और ये कितने कितने हो गए, 13 एंड 13. अब इसके बाद आता है हमारे फेस कार्ड के बारे में. तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास हैं 12. तो जैक, क्वीन एंड किंग, ये सभी चार चार होते हैं. अब इसमें एक जैसे एस है, इक्का बोलते हैं जिसको, वो फोर होते हैं. किंग, क्वीन और जैक सब फोर होते हैं. अब इसके बाद एक टाइप है, इस जैक कार्ड को कई बार हम नेव कार्ड से भी आ जाता है, तो नेव कार्ड हमारे पास है 4. इसके बाद आता है ओनर कार्ड. ओनर कार्ड में हमारे क्या टोटल कार्ड्स हैं 20. क्या क्या, इसमें 4 एस होते हैं, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक एंड 4 टेन होते हैं. अब इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन करते हैं. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए डेक ऑफ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग. ठीक है ना, टोटल हमारे पास 52 कार्ड से कोई एक कार्ड निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अब देखो क्या क्या पूछा है. पहला है स्पेड, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो सबसे जो हमने कार्ड के बारे में देखा था तो स्पेड हमारे कितने थे 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 13/52, तो इसको कैंसिल होके कितना हो गया 1/4. अब सेकंड है नोट क्लब. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लब कितना है, तो क्लब कितना है 13. अब वो कह रहा है कि नोट क्लब, तो 52 में से 13 माइनस करें तो कितना बच गया 39. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 39/52, कैंसिल आउट होकर कितना हो गया 3/4. नेक्स्ट है नोट रेड कार्ड. नोट रेड कार्ड का मतलब है ब्लैक कार्ड. तो ब्लैक कार्ड हमारे पास कितने हैं 26, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 26/52. नेक्स्ट पार्ट है आइदर स्पेड और किंग. तो सबसे पहले हमें देखना स्पेड कितने, तो स्पेड हमारे पास होते हैं 13 और किंग. किंग कितने होते हैं 4, पर इन 4 किंग में से एक तो स्पेड में जा चुका है तो 3 किंग हो गए. तो 13+3 16, तो ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी 16/52, मतलब 4/13. ऐसे ही रेड ओनर कार्ड. तो ओनर कार्ड हमारे पास टोटल कितने होते हैं 20, तो रेड ओनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/52. सिक्स्थ पार्ट है रेड एंड किंग. तो इसका मतलब है हमें रेड एंड किंग का मतलब है रेड किंग. तो टोटल किंग कितने होते हैं 4, तो उसमें से रेड कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2/52. अब नेक्स्ट है नाइदर ब्लैक नॉर एस. तो पहले तो हम देखेंगे कितने ब्लैक और एस होते हैं. तो ब्लैक और एस, तो ब्लैक कितने हैं 28, एस कितने हैं 4, तो 4 में से 2 तो ब्लैक में जा चुके हैं, 2 हो गए, तो 28. तो वो कह रहा है कि नाइदर ब्लैक नॉर एस, मतलब ये 28 नहीं होने चाहिए. तो 52 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24/52. तो ये आपका क्या सोल्व कर पे कितना आ जाएगा 6/13. नेक्स्ट है किंग और क्वीन, तो ये आ जाएगा 8/52, तो कैंसिल करके 2/13. अब एक आ गया जैक एंड एस. तो एंड जहाँ भी आ जाए इसका मतलब कॉमन, तो कॉमन तो कुछ है नहीं जैक एंड एस में, तो ये कितना हो जाएगा 0. अब लास्ट है टेंथ पार्ट नोट किंग. नोट किंग में मतलब आपको पहले किंग पता होना चाहिए, तो किंग कितने हैं 4. वो कह रहा है कि नोट किंग, मतलब 52 में से 4 माइनस कर लो कितना आ जाएगा 48, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 48/52, कैंसिल आउट होके 4 से कर दिया तो हमारा आ गया 12/13. ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.